गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने देखा था कि कल हम आ गए थे मंडी में, और अभी सबसे पहले कराते हैं आपको रूम टूर। चलिए चलो दिखाते हैं आपको रूम। हमें मिला है एक क्वीन साइज बेड, और एक टीवी भी है, इलेक्ट्रिक केटल, एक पानी की बोतल और दो चेयर्स, एक टेबल, साथ में ये प्यारा सा पहाड़ों का व्यू। यहाँ का वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, और शार और हमको साथ में टॉवल्स वगैरह भी दिए गए थे। यहाँ की बालकनी भी काफ़ी अच्छी थी एंड व्यू भी सही था पहाड़ों का। आज हम निकलने वाले हैं मंडी से, और किधर जाएंगे वो आप वीडियो में देखिए। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि एक एक पार्ट वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं आपको सफ़र में। चलिए, दिन की पहली मील होती है ब्रेकफास्ट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मील होती है, तो ये हमने होटल में ही कर लिया क्योंकि आज थोड़ा सा निकलने में देरी हो गई। चलो चले अगली डेस्टिनेशन। कल रात में जब हम मंडी पहुँचे थे तो आपको एक ब्रिज दिखाया था मैंने, लेकिन वो प्रॉपरली हम विज़िट नहीं कर पाए थे क्योंकि अंधेरा बहुत था और थकान भी बहुत थी। लेकिन आज हम देखिए कहाँ पे पहुँच चुके हैं। दिस इज़ विक्टोरिया ब्रिज, दी विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी। आप मंडी अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले यही वाला ब्रिज दिखाई देगा। ओह माय गॉड, चलने का अलग ही फील आ रहा है। नाइस ना ये ब्रिज, काफ़ी अच्छा है यार। मतलब जैसे ऐसे लग रहा है कि ये तो क्वीन विक्टोरिया के लिए ही बनाया हुआ होगा। वो बात अलग है कि इस विक्टोरिया ब्रिज को 1877 में एक राजा की कार चलाने की ख्वाहिश के चलते बनवाया गया था। यहाँ से नीचे ब्यास नदी का व्यू आप देख सकते हैं। पानी काफ़ी मैला है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोहतांग पास से आती है ये नदी, और इसी के ऊपर बने इस 76 मीटर लंबी ब्रिज को लंदन और कोलकाता के इंजीनियर्स ने बनाया था। इस ब्रिज की लाइफ 100 साल दी गई थी, लेकिन देखिए ये अजूबा आज भी 140 साल से ऊपर होने के बावजूद भी वैसे का वैसा खड़ा है। ये हमारा हिमाचल रोड ट्रिप का सेकंड डे है, और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं पालमपुर की तरफ। चलिए फिर सफ़र में मुलाकात होगी आपसे। ओके बाय।